ठीक है, एब्सोल्युटली योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूवर्स तक अपने व्यूज पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। चले बढ़ेंगे आगे और अब एक इंडेक्स पर आज क्या स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं ये समझने के लिए हमारे साथ दो पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ राजेश पालविया हैं और साथ ही नुरेश मिरानी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। राजेश आपके पास भी आते हैं लेकिन पहले एक बार वेरी क्विकली नुरेश से समझ लेते हैं कि इस वक्त बेस क्या नीचे शिफ्ट होता दिख रहा है, क्या ये एका दिन का शेड है, क्या रेंज देख रहे हैं इंडेक्स पर आप नुरेश? ओवरऑल मेरा मानना ये है कि अब इंडेक्स पे ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए जितना ब्रॉडर मार्केट पे होना चाहिए। निफ्टी के लिए 18,500-18,600 एक सपोर्ट बैंड है, बैंक निफ्टी के लिए क्लोजर टू 42,800 एक सपोर्ट बैंड है। सो ओवरऑल अब जो फोकस है वो है ब्रॉडर मार्केट पर, क्योंकि बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स हो या निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स हो, ये फाइनली ब्रेकआउट की तरफ आ रहा है। जो प्रीवियस हाईस थे इक्विवेलेंट टू जो सितंबर में हाईस बने थे, मार्च 22 में हाईस बने थे, आज जाकर वो भाव आया। जब निफ्टी उस टाइम पर 18,100 था, तो अभी भी काफी कैचअप बाकी है। तो मेरा मानना यह है कि गोइंग फॉरवर्ड एक रेंज 18,500-18,600 डाउनसाइड पे 18,900 में निफ्टी रहना चाहिए, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा अच्छे से होना चाहिए। सुरेश, फिर ब्रॉडर मार्केट्स में कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपने नजर रखी है इस वक्त? सबसे पहले तो जो बैंकिंग स्पेस में जो छोटे स्टॉक्स हैं, दो स्टॉक्स जो मुझे अच्छे लगते हैं, सबसे पहले फेडरल बैंक है, जो वन ऑफ द फ्यू प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में छोटा नेम है जो 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई दोनों के करीब है। यहाँ पे बाय होगा, स्टॉप लॉस होगा 134 और टारगेट होगा 150। दूसरा बाय होगा सिटी यूनियन बैंक, जो इन द लॉन्ग रन जब भी देखे तो वो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा था प्रीवियस साइकिल्स में। फाइनली अब जो वो जैन 2021 का हाई है 200 के आसपास आ रहा है और 200 का रीसेंट हाई भी था, तो 198 से 200 एक मेजर रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। वो क्रॉस होने पे एक बड़ा ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है मोमेंटम में। यहाँ पे बाय रहेगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 190, टारगेट प्राइस 220-230। राइट, तो क्लियरली सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक प्योर बैंकिंग प्लेस है इस वक्त नुरेश के रेडार पर। नुरेश आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस वक्त ट्रेड स्ट्रेटजी और अपने पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमारे साथ राजेश पालविया भी जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून राजेश जी। निचले स्तर से बाजार ने अच्छी रिकवरी दिखाई है लेकिन साइडवेज मोमेंटम ब्रीदअप की बात हम फ्राइडे से ही कर रहे हैं, क्या रेंज नीचे आपके हिसाब से भी खिसक गई है? और फिर अगर ऐसा है तो फिर कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स इस वक्त आपकी नजर में है? गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो देखिए, लोअर साइड पे आज भी अर्ली जो लॉसेस थे उसको ऑलमोस्ट मार्केट ने एक बार पूरा रिकवर किया था। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब तक 18,500-18,450 ये लेवल इंटेक्ट है, मार्केट में बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना चाहिए। पुट बेस भी जो है वो 18,500-18,400 के आसपास बना हुआ है, जो क्लियरली दिखाता है कि ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेंगे। कुछ हमें लगता है कि कुछ समय के लिए जरूर यहाँ पे इंडेक्स पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति है। जैसे ही निफ्टी में हम एक्सपेक्ट करेंगे 18,750 के लेवल क्रॉस होंगे तो वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनेगा और फिर निफ्टी वापस से इसका जो अपवर्ड मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करते हुए दिखेगी और 18,900-19,000 के भी लेवल आते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव ही है, यहाँ पे भी 43,000 के लेवल को अच्छे से होल्ड आउट किया हुआ है। जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड करता है, जब तक हमें लगता है कि ये देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम यहाँ पे 44,000 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पहला स्टॉक फाइनेंशियल से और M&M फाइनेंशियल हमने यहाँ पे पहला स्टॉक बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक में एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है, जिस तरीके से डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में जो स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिख रही, हमें लगता है M&M फाइनेंशियल यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 255-260 के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा करीब 232 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो केमिकल स्पेस से और उसमें दीपक नाइट्राइट हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। लास्ट वीक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था, ऑलमोस्ट लास्ट 3 वीक के अब रेंज को ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में अब अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक सस्टेन करते हुए दिख रहा है, हमें लग रहा है दीपक नाइट्राइट को यहाँ पे बाय किया जा सकता है और इसके अपसाइड के टारगेट आना चाहिए 2320 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2210 के आसपास। तीसरा स्टॉक बाय करेंगे UPL का, एक सस्टेंड अप ट्रेंड बना हुआ है, स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है और अपने हायर बैंड को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में 800 रुपए के ऊपर अब ये बना रहा तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट बनना चाहिए शॉर्ट टर्म में वो होना चाहिए करीब 830-840 की तरफ, तो UPL बाय करने की सलाह रहेगी 788 के स्टॉप लॉस से। कुणाल भी आ गए हैं स्टूडियोज में बात करने के लिए, तो हमारे साथ बने रहिए राजेश, नुरेश, कुणाल।
आज काफी नैरो मार्केट दिखाई दिया इंडेक्स पे, कोई ट्रेड है बैंक निफ्टी निफ्टी पे या आप इंडिविजुअल आइडियाज भी फोकस करेंगे? तो आई थिंक मेरे नाम से निफ्टी लेवल्स पे बाय करना चाहिए 18,650 स्पॉट में या फिर 780 फ्यूचर्स में, आई थिंक अच्छा लेवल है। पुट कॉल रेशियो 0.6-0.7 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक ओवरसोल्ड नेचर ही है, तो यहाँ से बार बार इंडेक्स बाउंस करता हुआ नजर आएगा। इंट्राडे पे हमने देखा कि इंडेक्स 100 पॉइंट्स डाउन था, वहाँ से बाउंस करके ऑलमोस्ट फ्लैटिश आ चुका था, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है यहाँ पे इंडेक्स के लिए। तो निफ्टी में स्पेसिफिकली आई थिंक बुलिश रहूँगा यहाँ से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो एक या दो दिन के लिए ट्रेड कैरी करना चाहते हैं या BTST खेलना चाहते हैं, तो आई थिंक अच्छा लेवल है यहाँ पे इनिशिएट करने के लिए लॉन्ग्स। आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या है फिलहाल? दो बाय कॉल यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, पहला DLF पे रहेगा मेरे अनुमान से, आई थिंक बहुत क्लासिकल ब्रेकआउट है DLF पे, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट स्विंग ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पे 4/16/17 के आसपास स्पॉट लेवल्स पे है DLF, तो यहाँ पे रेकमेंड करूंगा बाय के लिए। 455 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 400 का। और सेकंड रहेगा SBI पे, काफ़ी टाइम बाद हम ऐसे देख रहे हैं कि SBI ने वापस से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। माइल्ड कंसोलिडेशन था लास्ट टू वीक से, यू नो स्टॉक एक रेंज में जा रहा था 600-615 के आसपास, आज वो ब्रेकआउट यू नो दिया है स्टॉक ने, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि यहाँ से करीबन 20-25 रुपये और चल सकता है, तो 640 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 600। कुणाल, आज रिलायंस काफ़ी दबाव में रहा जिसकी वजह से इंडेक्स ही दबाव में दिखाई दे रहा है, कुछ 50 रुपये नीचे है, क्या एक अच्छी एंट्री पॉइंट दे रहा है ये? क्योंकि अगर आप देखें तो 2350 से एक बार को 2750 तक गया, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस हुआ है, यहाँ से लेना शुरू कर देना चाहिए क्या? तो रिलायंस की खास बात है, इनफैक्ट यू नो ये पूरे मूव में 2350 से लेके 2750 में तीन बार ऐसे करेक्शन आए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज में, वो करीबन 4.5% का एवरेज करेक्शन रहा है, तो अगर हम पुराने हाई से भी अगर हम या जो प्रीवियस हाई से भी अगर हम कैलकुलेट करें जो करीबन 2770 के आसपास था, तो वहाँ से अगर हम 3-4% कैलकुलेट करें तो करीबन 2700 के आसपास का एक अच्छा लेवल बन सकता है जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड वापस से फेवरेबल हो सकता है। तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ स्टॉक में, मेरा ऐसा मानना है कि यू नो ये स्टॉक एक सेकंड लेवल ऑफ ब्रेकआउट पर वापस जल्द जा सकता है, बट अगर फ्रेश एंट्री यहाँ पर करनी है तो 2700 का वेट करना चाहिए। ठीक है, 2700 के वेट के बाद आप इस पर यहाँ ऊपर खरीदारी करेंगे कुणाल, लेकिन आज जो आप DLF दे रहे हैं क्या DLF के लिए तो बड़ी सारी और बातें भी इंपॉर्टेंट आई, क्योंकि रियल एस्टेट स्पेस में भी कहीं ना कहीं आप इंटरेस्ट तो देख रहे हैं, मुंबई में तो रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन के बाद और वो इंटरेस्ट भी देख रहे हैं, हालांकि बड़ी कंपनी नहीं है वेस्टर्न की, लेकिन वहां पर भी वो एक एक्सपोजर देख रहे हैं अपना, और कुछ और स्टॉक भी पसंद आ रहे हैं और ब्रॉय रियलिटी जैसे या फिर परसिस्टेंट भी अच्छा प्रेस्टीज भी अच्छा चला पिछले हफ्ते, कोई और स्पेस भी समझ आ रहा है इसी स्टॉक? गोदरेज प्रॉपर्टीज भी एक अच्छा चार्ट है, मैंने मॉर्निंग में भी रेकमेंड किया था, वो भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट है। तो जनरली ये रियल एस्टेट और मेटल्स जब चलना चालू करते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में वापस रिस्क ऑन सेंटिमेंट आ गया है, कॉन्फिडेंस वापस आ गया है, और यू नो ये हाई बीटा स्पेसेस होते हैं, हाई बीटा सेक्टर्स होते हैं, तो जब इनमें ब्रेकआउट या मूव्स आता है तो ये 4-5% के ब्रेकआउट्स नहीं होते या 2-3 दिन के ब्रेकआउट्स नहीं होते, काफी बार हमने देखा है कि ऐसे ब्रेकआउट्स वीक्स मंथ्स और क्वार्टर्स भी लास्ट कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ ब्रेकआउट या किस टाइम फ्रेम में हम देखें। तो मेरा मानना है कि आई थिंक रियल स्टेट सेक्टर और मेटल सेक्टर इस बड़े ब्रेकआउट में यू नो वापस एंटर कर रहा है, तो उस हिसाब से आई थिंक ट्रेडर्स को यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। एब्सोल्युटली, अब साइकल्स की बात चल रही है रियल एस्टेट फैक्ट में और इसी के चलते स्पेस फोकस में। थैंक्स फॉर दैट कुणाल। तो कुणाल की तरफ से सारी की सारी कॉल्स, बैंक्स, फाइनेंशियल्स तो लगातार फोकस में है ही, मेटल फैक्ट पर भी नजर रखनी है और साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े भी चुनिंदा स्टॉक्स जो कि इस वक्त ट्रेडर्स टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रेडार पर हैं। इस बीच मिड कैप स्मॉल कैप को भी बिल्कुल ना भूलें क्योंकि निफ्टी के कंपैरिजन में आज वहां पर आउट परफॉर्मेंस ज्यादा दिख रही है और इस पर भी आगे और ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक इन डिटेल चर्चा होगी। लेकिन पाइपर सरेका के MD और CEO अभय अग्रवाल ने हमसे खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि प्राइवेट केपेक्स में तेजी से बैंक्स की ग्रोथ को काफी हद तक सपोर्ट मिल रहा है, एक बड़ा पॉजिटिव है बैंक्स के लिए। उनके मुताबिक अच्छे मैनेजमेंट वाले छोटे बैंक्स में निवेश के बेहतर मौके इस समय नजर आ रहे हैं और उनके मुताबिक चीन में रीओपनिंग से मेटल शेयरों को काफी हद तक फायदा मिल रहा है जो कि हम सेक्टर स्पेसिफिक जाल में देख भी रहे हैं, जिससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, तो इन स्पेसिस पर नजर रखनी चाहिए। ये हम काफी दिन से आपसे भी बात हुई थी कि अगर इंडिया की GDP को ग्रो करना है 7-8% भी, तो इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर को 15% से ग्रो करना पड़ेगा उस GDP ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। और 3-4 महीने तक ये थोड़ी चिंता थी कि क्रेडिट ऑफटेक जो है वो ज्यादा नहीं है और बैंक्स के पास पैसे हैं पर वो लेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डिमांड नहीं है उसकी, और उसका मेजर रीजन ये था कि प्राइवेट कैपेक्स स्लगिश था कोविड के बाद भी। पर अब हमने देखा है कि जो प्राइवेट कैपेक्स है उसमें अच्छी पिकअप है और अच्छा पिकअप होने की वजह से
जो क्रेडिट डिमांड है पिछले 3-4 महीने में वो काफी रोबस्ट है। इनफैक्ट जो अभी 1-2 दिन पहले जो फिगर्स आए थे उसमें देवर बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पे कॉर्पोरेट क्रेडिट रिटेल क्रेडिट दोनों की डिमांड अच्छी है और एक लायबिलिटी फ्रेंचाइज जिस बैंक का अच्छा है, ये जो सेक्टर है ये डेफिनेटली प्ले आउट करेगा। पर मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो काफी एक्सपेंसिव बड़े बैंक्स हैं वहां से स्टोरी शिफ्ट होगी छोटे वेल मैनेज बैंक्स की तरफ भी, क्योंकि वैल्यूएशन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एक तरफ बड़े बैंक्स हैं जो 2.5 से 3 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, दूसरी तरफ छोटे फास्ट ग्रोइंग बैंक्स हैं जो 1 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस समय बैंकिंग में ज्यादा रिटर्न बनेगा छोटे, और स्टार्टिंग फिगर है जो 10 ईयर का जो बॉन्ड यील्ड है यूएस का वो काफी करेक्ट हुआ है और 30 साल का बॉन्ड भी करेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अब इन्वेस्टर्स का जो फियर है हाइपर इन्फ्लेशन का वो कम होता जा रहा है और उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स वापस 105, 104 के लेवल पे आ गया है जो 112, 113 चला गया था। और इसका फायदा मिलेगा जब चाइना की रीओपनिंग होगी, और चाइना की रीओपनिंग होगी देर सवेर हो जब भी हो, पर इतना बड़ा देश है कि आप उसको बंद करके नहीं रख सकते। और जैसे ही वो देश खुलेगा वापस डिमांड बढ़ेगी मेटल्स की और सब की। तो हम तो बिल्कुल मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स हैं इस बीटन डाउन लेवल पे हैं कि जिसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो जो अंडर लेवरेज प्लेयर्स हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, साइज अच्छा है, वो साइज का गेम है, तो वो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देंगे। हम अपने पीएमएस में मेटल्स में कमोडिटीज में इन्वेस्ट नहीं करते तो इसलिए इतनी ज्यादा नजर नहीं है, पर मेरे हिसाब से एक अच्छा प्ले है इन्वेस्टर्स के लिए रिकवरी प्ले। चलिए तो ये थे पाइपर सरेका के अभय अग्रवाल मेटल पैक पर अपना नजरिया, और इन पर्टिकुलर साउथ इंडियन बैंक पर भी उन्होंने अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर किया था इस डिटेल्ड इंटरेक्शन में। लेकिन हमारे साथ अब श्रीकांत चौहान भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून श्रीकांत, स्ट्रेट टुवर्ड्स द कॉल्स, आप बताएं कौन से ट्रेडिंग पिक्स है इस वक्त मार्केट्स में, क्योंकि मार्केट्स के वॉलिटाइल एक्शन के बीच इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ही हैं जो कि मुनाफा कमा कर देंगे। बिल्कुल, तो जैसे भी मेटल की बात हो रही थी, मुझे लगता है कि अगर मेटल स्टॉक्स के ऊपर अगर फोकस करते हैं और अगर कमोडिटी मार्केट को अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखते हैं तो वहां पे आयरन और प्राइसेस में हमने काफी अच्छा इजाफा देखा है। तो हमें लगता है यहाँ पे टाटा स्टील एक ऐसा स्टॉक है कि जो और भी यहाँ से परफॉर्म कर सकता है, 115-116 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ से ये स्टॉक 122-123 के लेवल्स पे दिखा सकता है। और आज के दिन में अच्छा खासा टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, तो करंट लेवल से मैं इसे लॉन्ग करने की सिफारिश करूंगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 114 रुपए के करीब का, तो 114 का स्टॉप लॉस रखे, 122 का टारगेट रखे करंट लेवल से टाटा स्टील को लॉन्ग करके चले। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ एक पीएसयू बैंक में वापस एक बाइंग मोमेंटम दिख रहा है, और जब मार्केट में करेक्शन था तब ये सभी स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब आके कंसोलिडेट कर रहे थे। तो हमें लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग करके चले, जो चल रहा है अराउंड 610-612 के करीब, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे हम अराउंड 605 का, और टारगेट्स यहाँ पे रखेंगे हम 640 के। श्रीकांत, सीमेंट स्पेस में जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में बताइए, जो एक्शन इस समय चल रहा है इसमें, लास्ट कुछ दिनों से भी अगर आप देखें डॉक्टर साहब, 3 महीने 1 महीने भी लेके आइए, आज तो है ही अच्छा, लेकिन सेंस आ रहा है कि इंस्टीट्यूशनल फ्लोज स्टॉक की तरफ दिख रहे हैं, और किस लेवल्स पे इसमें एंट्री किया सकती है, और जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है वो क्या लेवल्स देखेंगे? बिल्कुल, तो देखिए अगर इस पर्टिकुलर चार्ट को अगर मैं एक मंथली या वीकली बेसिस पे देखता हूँ, तो जो इसमें रिट्रेसमेंट हुआ है और जैसे इसमें ओवरऑल वेव स्ट्रक्चर बना है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक 1000 के करीब आने वाले कुछ हफ्तों में जा सकता है। चूंकि शॉर्ट टर्म में काफी चल चुका है तो मैं कहूंगा कि बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें, 800-805 के करीब ट्रेड कर रहा है। इन केस इफ देयर इज एनी करेक्शन अप टू 780-785 तो उन लेवल्स के करीब लॉन्ग करें पोजीशंस, 750 का फाइनल स्टॉप लॉस बनाए और टारगेट्स रखें 1000 के करीब। हमें लगता है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके सीमेंट, इन दोनों में आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में इनफैक्ट काफी अच्छी बढ़िया तेजी देखने को। राजेश, वैसे तो एनबीएफसी स्पेस काफी एक्टिव है, लेकिन एबी कैपिटल फाइनली चलना शुरू हुआ। इनफैक्ट जब से विशाखा मूल्य ने ज्वाइन किया है वो स्टॉक काफी रेडार पे है अच्छे इन्वेस्टर्स के। ये देखिए आज भी 4% ऊपर है, डेज हाई की तरफ लेके आइए डॉक्टर साहब, 3 महीना 6 महीना यहाँ पे एक मैनेजमेंट चेंज कह लीजिए, ओनर्स तो वही है लेकिन एमडी चेंज हुए हैं। ये देखिए 3 महीने में 40% रिटर्न एबी कैपिटल में, जरा चार्ट पे देख के बताइए राजेश।
बिल्कुल अजय जी, काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बना है ऑलमोस्ट स्टॉक में, जिस तरीके से मूवमेंट बने हैं स्टॉक ने अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को यहाँ पे ब्रेकआउट मंथली वीकली चार्ट पे करते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन है अब यहाँ पे 145-148 इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक ये इसके ऊपर बना रहेगा इसके नेक्स्ट टारगेट जो आना चाहिए वो करीब 170-175 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए, फ्रेश बाय करने के लिए अगर छोटा मोटा कोई डिप मिलता है टुवर्ड्स 155-152 वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। 145 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग साइड के लिए। Yes, absolutely. In fact, जब से इसके नंबर्स आए आप 125-120 की चाल से लगातार वहां से मूव आ ही रही है स्टॉक में। एक स्टॉक है शारदा क्रॉप, आज इसमें बहुत बड़ी मूव है, इनफैक्ट 16% तक की मूव है। एग्री केमिकल जो साइकिल होती है, हालांकि उनके हिसाब से हम, क्योंकि हमने जब एक बार मैनेजमेंट से पहले जब बात की थी उन्होंने ये कहा था कि Q4 इनका सबसे बेस्ट क्वार्टर रहता है। आज जो ये बड़ी मूव है 15% तक की शारदा क्रॉप कॉर्न में, श्रीकांत इसे कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे? क्या ये अभी मूव सस्टेन करेगी? एक बार के लिए वन टाइम मूव है, क्या प्रॉफिट बुक कर लें? क्या सलाह देंगी यहाँ पर? देखिए, तो अगर इसके चार्ट को अगर हम डेली बेसिस पे अगर लास्ट 6 मंथ्स के चार्ट को अगर देखते हैं या प्राइस पैटर्न को देखते हैं, तो एक बात क्लियरली समझ में आती है कि इसमें एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन बना था। और जैसे अभी आपने बताया कि फंडामेंटल रीजन की इसके Q4 के नंबर्स अच्छे आते हैं, तो इसने पिछले इनफैक्ट Q1, Q2 या Q3 में अगर आप देखें तो उसके बेसिस पे अगर आप देखें तो इसमें एक बड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड चल रहा था। लेकिन पिछले एक आध महीने से इसमें एक साइडवेज पैटर्न बन गया था, और अगर फॉलिंग वेज पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो वो इतना ही स्ट्रांग होता है जितना आज हम इसमें प्राइस एक्शन देख रहे हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक में वापस एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है, और कम से कम ये स्टॉक 700 रुपए के करीब जा सकता है। अभी चल रहा है 500 के करीब। आज के दिन में इसमें प्राइस वॉल्यूम दोनों में जबरदस्त एक्शन है, और यहाँ से अगर कोई भी करेक्शन आता है तो लॉन्ग करके चले फॉर ट्रेडर्स। बट अगर फॉर इन्वेस्टर्स अगर मैं कुछ एडवाइस करना चाहूंगा तो मैं कहूंगा कि आपके पोजीशंस को आप होल्ड करके रखें। 700 के करीब ये स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों में जा सकता है, और यहाँ पे सपोर्ट बनेगा अराउंड 470 के करीब का। तो यहाँ से अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 470 का स्टॉप लॉस रखें टू क्रिएट एनी लॉन्ग पोजिशन। इस बीच आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं रुपया दिन के निचले स्तर पर ट्रेड करता हुआ, और 81.78 रुपये का निचला स्तर इस वक्त के सेशन में रुपये ने टच किया, तो कमजोरी हावी होती हुई। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जिनमें एक्शन है मिड कैप प्लेस में, राजेश जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, M&M फाइनेंस के बिजनेस अपडेट आते हुए दिखे, और स्टॉक में जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिली है। बिजनेस अपडेट भी काफी अच्छा रहा, कलेक्शन एफिशिएंसी इनकी बड़ी है, साथ ही डिसबर्समेंट में ईयर ऑन ईयर बेसिस जो डेटा आए हैं वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। स्टॉक ने आज ही के आज के दिन में 52 वीक हाई जो 243 के लेवल्स है ऐसे तो टच कर लिया है, लेकिन ब्रोकरेजेस का ये भी मानना है कि 275-280 तक ये जा सकता है। टेक्निकली आपको चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं? तो टेक्निकली स्टॉक स्ट्रॉन्ग ही है, और शो के ओपनिंग में हमने ये स्टॉक पे बाय रिकमेंडेशन भी दिया। ऑलमोस्ट अगर स्टॉक को देखें तो सितंबर के इसके स्विंग हाई थे उसको भी ऑलरेडी ये स्टॉक क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक में जिस तरीके की स्ट्रेंथ बनी, हमें लगता है ये स्टॉक को बिल्कुल बाय करना चाहिए। छोटा मोटा अगर डिप मिलता है तो भी ऐड करें। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं वो करीब 255-260 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस यहाँ पे करंट लेवल से रखेंगे करीब 232 के आसपास। ये NBFC की रैली बहुत ही काबिले तारीफ नजर आ रही है। AB कैपिटल, देखिए विशाखा मूल्य इम्पैक्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, 40% अप हो गया। कुछ और बीटन, नॉट सो बीटन, लगन बहुत एग्रेसिवली ट्रैक नहीं होते। IIFL फाइनेंस देखिए, और देखिए आप JM फाइनेंशियल, इन दोनों के चार्ट्स पे जरा देख के बताइए श्रीकांत। IIFL फाइनेंस ऑलमोस्ट 490 जाके आया है 6 महीने में, देखिए क्या जबरदस्त मूव आया। JM भी 50 वाला 185 हुआ है, 185 इसका लाइफ टाइम हाई है, लेकिन चार्ट देख के बताइए जरा। बिल्कुल, तो देखिए अगर जेम फाइनेंशियल्स को अगर टेक्निकली देखें तो मुझे लग रहा है कि एक रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। 60-65 के करीब मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट लेता है, और तकरीबन 110-120 के करीब इसमें एक बड़ा रेजिस्टेंस भी आता है। हमें लगता है कि वापस इसमें एक अपवर्ड साइकिल की शुरुआत हुई है, और वापस ये स्टॉक 110-115 के करीब देखने मिलेगा। हमें लगता है कि ये रेंज बाउंड स्टॉक कुछ और महीनों तक चल सकता है, लेकिन करंट लेवल से रिवॉर्ड टू द रिस्क इज क्वाइट फेवरेबल, तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। और इसके अलावा अगर
INFS के साथ अगर वहां पे अगर देखें तो वहां पे हमने 475 के करीब के लेवल्स देखे हैं। इसमें बड़ा प्राइस इनफैक्ट ब्रेकआउट हुआ है और इसने मंथली क्वार्टरली या आप पकड़ लीजिए ईयरली स्विंग हाई को क्रॉस किया है। तो 2018 में इसके हाईएस्ट लेवल्स थे तकरीबन 425 के करीब के। इतने बड़े लेवल को जब इसने क्रॉस किया इसका मतलब ये है कि स्टॉक में और भी पोटेंशियल है और ये स्टॉक और भी यहाँ से चल सकता है। तो अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स अगर है तो बिल्कुल होल्ड करके चलें और अगर यहाँ से कोई करेक्शन अगर आता है अराउंड 450 के करीब तो लॉन्ग की पोजीशन बनाएं। 420 का स्टॉप लॉस रखें जो एक ब्रेकआउट लेवल था। हमें लगता है कि ये लॉन्ग रन में काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू रखना होगा आपको IIFL फाइनेंस पर। ये श्रीकांत की अभी चार्ट चेक है। ठीक है, अब हमारे साथ हमारी रिपोर्टर्स की पूरी टीम, हमारे रिसर्च एनालिस्ट सब हमारे साथ हैं हमारे लिए स्पेशल रिपोर्ट्स लाने के लिए। प्रकाश हमारे लिए एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं, पूजा हमें MPC बैठक पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करने वाली है, इंश्योरेंस पर अनुराग होंगे और अशेष मेटल्स पर हमें कुछ और डिटेल्स देने वाली है। पहले पूजा के पास चलते हैं एक बार। पूजा बताएं, MPC की बैठक आज पहला दिन है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? इन्फ्लेशन तो थोड़ा कूल ऑफ होता दिखाई दे रहा है, क्या रेट कट यहाँ भी रेट हाइक यहाँ भी छोटा होने की एक्सपेक्टेशन है? जी, इस बार की पॉलिसी में माना जा रहा है कि इस बार RBI रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है RBI की तरफ से, क्योंकि RBI में जो ब्याज दरों की बढ़त का दौर था वो तो आगे जारी रहेगा लेकिन वहां पर थोड़ा धीमापन देखने को जरूर मिल सकता है और 0.35% की बढ़त का हम अनुमान कर रहे हैं। तो जो रेपो रेट है वो बढ़कर 6.25% के आसपास हो सकते हैं और सभी जानकारों का ये मानना है कि ब्याज दरों में बढ़त रहेगी। जो RBI का रुख होगा वो एकोमोडेशन विड्रॉल से न्यूट्रल होने की उम्मीद की जा रही है और इसके अलावा महंगाई को लेकर भी फोकस बना रहेगा। अब इस बार MPC की बैठक में क्या कुछ इंपॉर्टेंट होगा देखना, ये हम आपके सामने एक एक करके रखते हैं। महंगाई और ग्रोथ अनुमान को लेकर क्या कमेंट्री आती है इस पर नजर रहेगी, क्योंकि महंगाई इस बार हमने देखा कि नवंबर महीने में जो महंगाई का आंकड़ा था वो अपने 3 महीने के निचले स्तर पर आ चुका था 6.7% के आसपास और वैसा ही कुछ आउटलुक FY23 के लिए भी RBI ने शेयर किया। तो देखना होगा ये कि क्या महंगाई में कुछ कमी, महंगाई के आउटलुक में क्या कुछ कमी होती है और इसके अलावा GDP ग्रोथ को लेकर क्या अनुमान होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना है। इन सभी के साथ ही साथ लिक्विडिटी को लेकर RBI का क्या नजरिया है, सिस्टम में कैसी लिक्विडिटी वो देख रहे हैं, ये भी काफी अहम होगा जो कि बाजार वॉच करेगा। और जो रुपए की चाल हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सिनेरियो जो इस वक्त बन रहे हैं उस पर RBI के क्या व्यूज हैं, क्या बयान वहां से निकल कर आता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और कुल मिलाकर ब्याज दरों की बात करें तो 0.35% की बढ़ोतरी की उम्मीद इस बार हम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये तो RBI पॉलिसी से रेपो रेट तो बढ़ाएगा, ये एक पोल तैयार पूजा ने किया और उसके हिसाब से, इस पोल के हिसाब से मैक्सिमम एनालिस्ट है ये मान रहे हैं कि आप 35 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस रनअप में आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं NBFC आज तेज है, बैंक्स में तो ऑलरेडी मूव है ही, लेकिन आप कुछ बैंक की बात करें, कर्नाटका बैंक जैसे स्टॉक्स ऑलरेडी पांच साल के इंटरडे हाई पे काम कर रहे हैं। मिड टीयर बैंक्स में हमने कई सारे बैंक्स देखे जिनमें अच्छी मूव थी, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ बड़े प्राइवेट लेंडर्स भी अच्छा चल रहे हैं, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी मूव है। श्रीकांत, ये स्टॉक ज्यादा चले नहीं जब ये रनअप चला, जितने भी बैंक्स का रनअप अब तक रहा है, इंडसइंड हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, इनमें अभी फिर भी इतनी मूव नहीं आई है, बैंक पर आप इस वक्त क्या व्यू देंगे? बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि इंडसइंड बैंक एक करेक्टिव पैटर्न के आसपास ही अभी तक ट्रेड कर रहा है, यानी कि उस करेक्टिव रेंज को अभी क्रॉस करना बाकी है और इसी वजह से ये स्टॉक हमें अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लेकिन एक बार अगर इस पर्टिकुलर रेंज के अगर ये बाहर निकलता है, यानी कि 1280 का लेवल आ रहा है 1280, और 1280 के ऊपर ये एक बड़े करेक्शन को कंप्लीट करते हुए फिर एक इंपल्स ट्रेंड में ये कन्वर्ट होगा, यानी कि एक ट्रेंडिंग वेव में कन्वर्ट होगा। तो जब तक ये 1280 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद 1280 और 1100 के रेंज में थोड़ा और वक्त गुजारते हुए दिखेगा इवेंचुअली, बट हमें लगता है कि ये स्टॉक 1280 को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ सकता है क्योंकि ओवरऑल फाइनेंशियल स्पेस में काफी अच्छी तेजी बनी है और कई सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने मिल रहा है और शायद आने वाले दिनों में और देखने मिलेगा। तो हमें लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट्स है तो बिल्कुल होल्ड करें, शॉर्ट टर्म व्यू के साथ भी अगर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो बना सकते हैं क्योंकि 2 या 3 दिन पहले ही इसने एक हायर बॉटम फॉर्मेशन किया है। तो 1150 का स्टॉप लॉस रखें, करंट लेवल से लॉन्ग पोजीशंस बनाएं
1280 का टारगेट नजर आता है। छोटे बैंक की बात करें, आज कई लोग हमारे चैनल पर आके छोटे बैंक की बात कर रहे हैं, मेरी नजर जा रही है जेएनके बैंक और साउथ इंडियन बैंक। लास्ट 15 मिनट में देखिए जरा राजेश, जबरदस्त मूव आता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए जेएनके बैंक 6.5% 50 का लेवल क्रॉस करते हुए, और साउथ इंडियन बैंक भी लेके आई है, ऐसी एक कैंडल वहां भी बनी है। जरा चार्ट से बताइए राजेश, ये दोनों इन दोनों के चार्ट कैसे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अजय जी, अभी एक अच्छा मोमेंटम बना है, और जेएनके बैंक की बात करें तो ये स्टॉक में अब जो लेवल क्रॉस हुआ ऑलमोस्ट नवंबर 2021 के स्विंग हाई को अब ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है, तो ऑलमोस्ट एक साल की रेंज को ये ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जेएनके बैंक में आज के मूव के बाद अगर ये स्टॉक 48 रुपीज के ऊपर होल्ड आउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 54-56 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो इसमें अभी यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि 47 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करना चाहिए 56 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए। साउथ इंडियन बैंक भी एक अच्छा फॉर्मेशन यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक में ओवरऑल अगर इसके सेटअप देखें तो स्टॉक ने जुलाई 2021 के जो हाई थे उसको सरपास किया है मंथली बेसिस पे। तो ये स्टॉक में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, थर्ड मंथ है जहाँ पे एक स्टॉक एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है और हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बनना चाहिए करीब 23 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। इसमें अब स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब 15.80 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड के टारगेट 22 और 23 तक आते हुए दिख सकते हैं। राजेश जी और श्रीकांत जी दोनों, आप ये चर्चा हमारी सुनिए, नेक्स्ट आपको आई एम श्योर की इस बारे में रुचि होगी, और वो है गुजरात इलेक्शंस, बहुत अहम है। आप दोनों मार्केट पार्टिसिपेंट से बताने की जरूरत नहीं क्यों बाजार गुजरात इलेक्शन की तरफ नजर डालेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो गुजरात में है ऐश्वर्य, वो ज्वाइन कर रहे हैं बताने के लिए कि ऑन ग्राउंड क्या मामला है, और हमारे साथ तिवारी जी भी जुड़ेंगे, वो विशेषज्ञ हैं इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स के। पहले ऐश्वर्य से जान लेते हैं, उसके बाद अमिताभ जी के पास जाएंगे। ऐश्वर्य बताइए ऑन ग्राउंड कैसा माहौल है, आप तो सब तरफ बातचीत कर रहे होंगे। बिल्कुल उत्साह का माहौल है आज, क्योंकि पूरा उत्तरी गुजरात जो है वो वोट कर रहा है, दूसरे चरण के मतदान लगातार जारी है, और क्योंकि ज़्यादातर अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इसलिए लोग भारी मात्रा में बाहर आकर वोट भी कर रहे हैं। पिछली बार जो फेज वन में जो लो टर्नआउट था उसके बाद इलेक्शन कमीशन द्वारा और कई पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा लगातार अपील की गई कि लोग ज़्यादा संख्या में बाहर निकले और वोट करें, और इसी का परिणाम है कि 1 बजे तक 47% तक वोटिंग हो चुकी थी, और लगातार क्योंकि दूसरे चरण के मतदान में कई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स ने आज वोट डाला। अहमदाबाद के अंदर जहां पर मैं रिपोर्ट कर रहा हूं वहां पर एक तरफ नरेंद्र मोदी ने और दूसरी तरफ अमित शाह ने भी वोट किया, और आज जहां पर मैं पोलिंग बूथ पे खड़ा हूं यहां पर अमित शाह ने पूरे परिवार के साथ आकर वोटिंग करी। लेकिन इस बार चुनाव बड़े दिलचस्प हैं क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की फाइट नहीं है बल्कि आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है, और कई छोटी छोटी पार्टियां जो छोटी छोटी सीट्स पर लड़ रही है, AIMIM 13 सीट्स पर भी लड़ रही है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है चुनावों के परिणाम पर। अब लगभग 3 घंटे का समय और बचा है जब की वोटिंग खत्म होगी, लेकिन आज के मतदान से यही नजर आ रहा है कि ज्यादा टर्नआउट हो सकता है, और जो फेज वन में हुआ है उसका अगर टोटल करेंगे तो पिछले इलेक्शंस के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं बराबर आकलन उसका होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में क्योंकि डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो रोड शोज और रैलियां हुई हैं, और जो सबसे बड़ा रोड शो जिस अभी तक हमने अहमदाबाद के अंदर प्रधानमंत्री का देखा था, उसके बाद किस तरीके से वो वोट पर कन्वर्ट होगी ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी, क्योंकि कांग्रेस का थोड़ा सा कम रोड शोज और रैलीज इस बार गुजरात चुनाव में देखने को मिली है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की एक तरफ चल रही है और उसमें वो तमाम कार्यक्रमों में बिजी हैं, लेकिन कांग्रेस ने डोर टू डोर कैंपेनिंग करके तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी, और उनका जो स्ट्रांग होल्ड जहां पर उनकी दावेदारी मजबूत है वहां पर क्या दोबारा वो जीत दर्ज कर पाते हैं ये भी एक देखने वाली बात होगी। और वहीं तीसरी और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार अरविंद केजरीवाल गुजरात आते रहे हैं और कई रोड शोज कई रैली कई कैंपेनिंग उन्होंने करी है, और उनका साफ तौर पर मानना है, और आज उन्होंने उनके उनके ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट
उस पर हुआ है परिवर्तन और इसी पर वो आगे पूरा कैंपेनिंग को लेकर बढ़ रहे हैं कि इतने सालों से जो भाजपा की सरकार है उसको परिवर्तन करना है, भारतीय आम आदमी पार्टी को गुजरात के अंदर लाना है और फ्रीबीज जितने भी है क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री हेल्थ केयर सिस्टम और तमाम जो फ्रीबीज के वादे हैं वो उन्होंने गुजरात की जनता से किए हैं और दिल्ली मॉडल को गुजरात के अंदर पेश किया है। तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई कई तमाम पार्टीज के बीच में है लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात के अंदर है वो दोबारा रिटेन कर पाती है या नहीं, क्योंकि बड़े जो लीडर्स हैं इंक्लूडिंग अमित शाह वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपना ही रिकॉर्ड अभी तक का भारतीय जनता पार्टी इस बार गुजरात के चुनावों में तोड़ने वाली है। ऐश्वर्य बहुत बहुत शुक्रिया, आप काफी मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप पूरे नेटवर्क पे। शाम को जब आप फ्री हो जाए तो आप ढोकले और जलेबी खाने जरूर जाइएगा, अहमदाबाद में छोड़िएगा मत ये मौके इसी बहाने। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य जैन ऑन ग्राउंड से रिपोर्ट करते हुए गुजरात इलेक्शंस। हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी भी है। अमिताभ गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। हमें समझाएं आप, एक तो है सब जगह स्टेट इलेक्शंस होते हैं लेकिन गुजरात इलेक्शंस क्यों इम्पोर्टेंट है देश के लिए भी पॉलिटिकली और ऑफ कोर्स इकोनॉमी के लिए भी? गुजरात इलेक्शंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो टॉप टू लोग हैं हमारी सरकार में उसमें वो इसी स्टेट से आते हैं। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव जो है वो 2024 इसके बाद इस रिजल्ट के बाद से लोकसभा चुनाव का जो है वो मोमेंटम जो है वो धीरे धीरे बनना शुरू होता है। इसलिए ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अगर बीजेपी को कुछ भी नुकसान उठाना पड़ता है सीटों के मामले में या सरकार बनने के मामले में तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक नेशनल इम्पैक्ट है, इसलिए ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं तिवारी जी जिनके ऊपर वाकई में जो वोटर कम्युनिटी है वो वाकई में टिल्ट करेगी? एक तो होते प्रोमिसेस, एक होते डिलीवरी, लेकिन आपको हिसाब से वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर वाकई में वोटिंग होगी? देखिए इश्यूज पे ज्यादा वोटिंग होती नहीं है क्योंकि इस बार इशू लेस इलेक्शन है इन दैट सेंस, कोई खास इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। पिछली बार 2-3 सामाजिक आंदोलन थे, एक पाटीदारों का आंदोलन था, एक ठाकुर समाज का आंदोलन था, दलितों का भी आंदोलन था, ऊना इंसिडेंट था, तो इस बार उतने इश्यूज नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने जरूर कोशिश करी है कि गुजरात के मॉडल को कहीं ना कहीं एक्सपोज करें, मोरबी इंसिडेंट भी अनफॉर्चुनेटली हुआ है तो उससे कहीं ना कहीं मॉडल के ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर शुरू हो गया है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे तीन चीजें ही जो इम्पोर्टेंट है, एक है हिंदुत्व, H&M मॉडल है यहाँ बीजेपी का एक्चुअली, H&M स्टोर जो होता है, तो हिंदुत्व, नेशनलिज्म और मोदी, इन तीनों के ऊपर ही जो है चुनाव जो है इर्द गिर्द उसके ही घूमता है। बढ़िया, हिमाचल इलेक्शंस के बारे में पूछना बनता है एक बार तिवारी जी, वो कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए हिमाचल का नेशनल इम्प्लीकेशन तो ज्यादा नहीं रहने वाला है क्योंकि वहां से कुछ भी कह लें अब 4 सीटें ही आती हैं और वहां हर 5 साल में सरकार बदलती है, छोटा राज्य है। तो यहाँ पे इस बार हमने देखा है कि बीजेपी को वहां पे काफी रेबेलियन फेस करना पड़ा है, लगभग 18 या 21 सीटों पे उनके रेबेल्स खड़े थे। तो लेकिन हमने ये भी देखा है कि उत्तराखंड में भी हर 5 साल में सरकार चेंज होती थी लेकिन वो ट्रेंड ब्रेक हुआ था। छोटे राज्यों में कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर जो है वो अन्य बड़े राज्यों के कंपैरिजन में ज्यादा काम करता है, इसलिए अब देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या रिजल्ट आता है। खाटे की टक्कर तो है, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आज समय देने के लिए और अपना एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल जैसे अमिताभ बता भी रहे थे कि गुजरात के इलेक्शन सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहते क्योंकि गुजरात से जो कैंडिडेट निकल के आते हैं यानी वहाँ जो पीएम मोदी यूनियन देश के लिए जो आपकी सरकार बनती है, पूरे देश का प्रधानमंत्री कौन निकल के आता है वो भी गुजरात से बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस बनता है। तो इसलिए भी इलेक्शन, ये स्टेट के इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर नज़र होती है। और ब्रांड मोदी तो खैर बहुत बड़ा एक वर्चस्व है पूरे बीजेपी के लिए भी। हमारे साथ श्रीकांत और राजेश भी दोनों हैं। इस बड़े इवेंट पर तो हमारी भी नज़र है क्योंकि भले ये पॉलिटिकल इवेंट हो लेकिन स्टॉक मार्केट भी क्यूज तो इनसे लेता ही है। बीजेपी की गवर्नमेंट आती है और बीजेपी जब तक सरकार चल भी रही है तब तक मार्केट में भी एक चेयर होता है। इनफैक्ट
ऑल टाइम हाईज लगे थे निफ्टी के, जब जब आपने देखा है कि यूनियन इलेक्शन जीते हैं बीजेपी ने, इस बार के ये समीकरण मार्केट्स के लिए कोई बड़ी मूव लाएंगे? खैर ये स्टेट इलेक्शन है इसको, बट फिर भी बाजार के लिए, आई डोंट नो, श्रीकांत राजेश आप देख रहे हैं इवेंट है क्या ये बाजार के लिए? कितने सारे तो गुजराती स्टॉक मार्केट में तो देखिए मार्केट तो चाल चली रहा है इलेक्शन की जगह इलेक्शन का ऊपर हो गया है, लेकिन मार्केट तो अपनी क्लियर चाल दिखा रहा है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है और हमें लगता है कि ये कंटिन्यूटी रहेगी। इलेक्शन के आउटकम का इंपैक्ट एक या दो दिन का होगा, लेकिन मार्केट की जो चाल है वो एक फंडामेंटल बेसिस पे चलते हुए दिख रही है, तो हमें लगता है कि मार्केट अपनी डायरेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे डिसाइड कर चुका है और ये डायरेक्शन हमें लगता है कि और आगे आने वाले महीनों में भी कंटिन्यू रहेगी। स्ट्रक्चरल बुल रन, कोई भी स्टेट इलेक्शन आए या जाए। हाँ श्रीकांत, नहीं देखिए वैसे अगर एवरी 4-5 years के बाद जैसे ये इलेक्शन आते हैं और उसके बाद एक मेन इलेक्शन रहते हैं, तो हमेशा मीन्स जब भी ये पर्टिकुलर गुजरात इलेक्शन होता है, हम स्पेसिफिकली इसके ऊपर फोकस करते हैं कि ये कैसे एक्चुअली आउटकम दे रहा है करके, और सबसे बड़ी बात यह है कि हाउ लाइक दिस पीपल आर कनेक्टिंग विद द पीपल, जितने भी मिनिस्टर है दे आर कनेक्टिंग विद द पीपल। सो अगर इस पर्टिकुलर ग्राउंड रियलिटी को देखें और ये पूरे अगर 3 या 4 साल के अगर ओवरऑल ट्रेंड को देखें, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आज इस बार का जो इवेंट है वो काफी इंटरेस्टिंग बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी इसमें आ चुकी है, तो जो इवेंट है वो थोड़ा और मैं कह सकूंगा इंटरेस्टिंग बनेगा, और अगर इंटरेस्टिंग इवेंट रहता है तो हमेशा उसके जो आउटकम होते हैं उसके बाद के जो रिएक्शन होते हैं वो उतने ही स्ट्रांग रहते हैं, तो नो डाउट मुझे लगता है इसी वजह से मार्केट भी कंसोलिडेट कर रहा है, और जैसे ये इवेंट क्लोज होगा, अगर इस इवेंट पे अगर मार्केट ने अगर 18,900 या 19,000 के लेवल्स को अगर क्रॉस किया, तो फिर अजय जी ये 19,200 या 300 के भी लेवल्स दिखा सकता है, तो उस वक्त जो वैल्यूएशन के जो कंसर्न्स अभी जो आ रहे हैं मार्केट में वो थोड़े कम होते हुए नजर आएंगे, तो देखना है कि ये इवेंट कैसे अनफोल्ड होता है। 99% तो लग रहा है कि ये पॉजिटिवली अनफोल्ड होगा, लेकिन फिर भी हमें देखना पड़ेगा कि लाइक कैसे ये इवेंट अनफोल्ड होता है, इसी वजह से मार्केट एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, तो बिल्कुल ये जो इवेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है। इंपॉर्टेंट है, और आप बात सही तो कह रहे हैं कि टक्कर तो दी है आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली के बाद पंजाब भी लिया, गुजरात में भी उन्होंने भी जोर शोर से वहां पर प्रचार किया है। बिल्कुल श्रीकांत, चले तो इस पर तो नजर रहेगी, लेकिन इस बीच हम बाजार पर भी नजर डालें तो आप जो जिस गेंस जो हमें सुबह इरोड हुए थे प्रॉफिट्स दिखते हुए, पॉइंट्स जो इरोड होते हुए दिखाई दिए बाजार पर, निफ्टी में कहीं ना कहीं उन्होंने भी रीगेन किया है, तो अच्छी रिकवरी तो आपको दिखी है। इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स में आप देखिए बैंक निफ्टी पे आपको 200 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त दिख रही है। एक बार बीएससी के कुछ स्टॉक्स भी देखते हैं, बीएससी आप सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर भी अब 100 पॉइंट्स का ही सिर्फ इरोजन रह गया है, और इस वक्त बड़े जो स्टॉक्स मूव दिख रही है आपको बीएससी के स्टॉक्स में, उसमें कुछ स्टॉक्स तो ऐसे थे जो सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे। इनफैक्ट बढ़ने वाले स्टॉक्स में हमने बात भी की थी, मेटल स्टॉक्स में हिंडालको सबसे ऊपर है, NBFC का फायदा क्लियरली आपको सारे आज NBFC दिख रहे हैं, पिरामल जैसे स्टॉक्स में भी आज मूव दिख रही है, और दूसरे केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्पेस में टाटा केमिकल्स जैसे स्टॉक है। संवर्धना एनालिस्ट मीट हुई थी और उसके बाद वहां से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूड से के बाजार को वो पसंद आए, 2% तक की मूव वहां है, लेकिन मेटल पैक तो क्लियरली आपको यहां पर भी लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और एट द सेम टाइम जो बैकफुट पे स्टॉक्स हैं उसमें आपके कुछ स्टॉक्स OMC स्टॉक्स हैं, AMC और लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं, और कुछ गैस स्टॉक्स भी हैं, ये रैली दिखा भी रहे थे पीछे। लेकिन इस बीच टाटा मोटर्स के भी यूके के JLR नंबर्स आए थे, वो लाएंगे हम स्क्रीन पे। फिलहाल ऑटो पैक में और क्या क्या उस रडार पर आ रहा है राजेश? M&M, बजाज ऑटो, इनफैक्ट आप दोबारा देखें ना तो ऑटो में शायद थोड़ा सा ही ब्रीदर लिया हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स ने, अब फिर से थोड़ी बहुत मूव शुरू हो गई है, फ्लैट टू पॉजिटिव हीरो मोटोकॉर्प भी चल रहा है, बजाज ऑटो भी काफी पसंद आ रहा है एक्सपर्ट्स को। इस हीरो मोटोकॉर्प या बजाज ऑटो कौन सा बेटर चार्ट दिख रहा है? तो प्रियंका जी, हमें लगता है कि हीरो मोटर का सेटअप यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है, जिस तरीके के स्ट्रक्चर हीरो मोटर में बने, ये स्टॉक में हमें लगता है कि ये मोमेंटम यहाँ से 2,950-3,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, तो हीरो मोटर बाय किया जा सकता है। स्टॉक के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पे 2760 ये स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है, और ये जैसे ही स्टॉक में 3,000 के लेवल क्रॉस होंगे तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए भी दिखेगा, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक में देखें तो लोअर साइड पे एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी, 3,000 के ऊपर हम फिर यहाँ पे पोजिशनली भी यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड होल्ड किया जा सकता है, पर अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 2,950-3,000 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है।
ऑलराइट ठीक है. सो हीरो मोटोकॉर्प आपको यहाँ पसंद आ रहा है. इस बीच अब हमारे साथ संजीव वसीन जी भी जुड़ गए, चलिए आइए उनसे बात करते हैं. वसीन साहब, आपके दो बेहतरीन पिक्स जो हैं बार बार मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं. कैनफिन होम्स हालांकि आज 2.5% ऊपर है, लेकिन आप लगातार इसको बाय करवाते रहे. जब ये स्टॉक गिरता रहा, आज पूरी तरीके से रिकवर करके उस प्राइस पे आ गया है जहां से ये मैनेजमेंट चेंज वजह से गिरा था, लगभग 100 रुपये का रिकवरी. और इवन साउथ इंडियन बैंक आज 18 रुपये हो गया, 5.5% ऊपर. हालांकि आपने तो प्रॉफिट बुकिंग की बात भी की है, लेकिन यहाँ से ही बने रहना चाहिए क्या, अगर कुछ लोगों का व्यू ज्यादा लंबा हो, 6 महीने 1 साल? हाँ गुड आफ्टरनून, बिल्कुल अजय जी, आपको याद रहे 8:30 वाला 18 हो गया. सर कौन देता है ऐसी कॉलें, ये तो ईटी स्वदेश पे आके आपको बोला था और कॉन्फिडेंस दिए. 750 रुपए का भाव होगा कैनफिन का. द न्यू MD विल बी अपॉइंटेड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. Their book, their management indicated the book size will double in the next half, from the first half. And margins and the low ticket is the best play ever. Their delinquencies, their write-offs are not there. Their write-backs will be even more. I think Canfin is a must in all portfolios. 750 ka bhav dikhta hai. Ab aapko apna stop loss badhana hai. 535. 505 pe ka 465, 535 stop loss. 590 पहला टारगेट और 620, ये दोनों टारगेट आपको दिख सकते हैं बहुत जल्दी. और फाइनल टारगेट 31 दिसंबर को 750 रुपए का आपको कैनफिन होम का. आपको और बता दूं, AB कैपिटल 90, 100, 110, 120 आज न्यू हाई मारा है 160 का. ये होती है कॉल. और अब आपके लिए दो नहीं तीन कॉल है, आप कहे तो मैं शुरू करूं. अप्रैल भी वाकई मेरे रेडार में नहीं था, शाखा मूल्य भी आई अप्रैल में. आपने तीन चार महीने से आप बात कर रहे हैं इस बारे में, काफी बार बात की है. काफी फेवरेट स्टॉक है उनका भी. आज 40% गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक, कुछ स्टॉक्स तो बहुत ट्रेडमार्क स्टॉक्स है संजीव जी, आप काफी देते हैं और अच्छी मूव चल भी जब तक वैल्यूएशन उनको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है. बिल्कुल, जब तक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल जी. बताइए अपने नई कॉल्स. सिंपल चीज है प्रियंका जी, अच्छे मैनेजमेंट के साथ रहोगे, AB आदित्य बिरला ग्रुप और द गोदरेज ग्रुप, दीज आर पेडिग्री नेम्स. And we want the investor to be safeguarded also on the downside. That's the reason. Now, my top pick over here is Bharti. I think unquestionably ARPUs are going to rise. They are already reporting ARPUs of 180. And unhone indicate kiya tha 200 is here. So you could see maybe ARPU hit 200 by the first week of January. Bharti will be laughing his way because now 5G is also rolling out very, very fast. So 842 mein lijiye, stop loss of 828, 880 ka target. सेकेंड, मैं आपको फिर कहता हूँ बजाज ऑटो इज अ नो ब्रेनर. देयर एक्सपोर्ट टारगेट विल प्रीसीड व्हाट दे हैड सेड. थर्डली, यू नो यू विल गेट अ सरप्राइज वंस द गुजरात इलेक्शंस आर ओवर. देयर कैन बी अ प्राइस कट इन डीजल एंड इन फ्यूल एंड दैट विल मीन बजाज ऑटो विल बी द बिगेस्ट गेनर ऑफ दिस. 3670 में लीजिए. ऑल्सो मैं रीट्रेट करता हूँ, जनवरी फेब्रुवरी बिफोर द बजट विल बिलोंग टू टू व्हीलर. यू सी द स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर कमिंग इन द नेक्स्ट टू मंथ इन थ्री व्हीलर. 3670 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 35985 एंड लुक फॉर 3850. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हॉलीडे सीजन फेस्टिविटी गोइंग आउट, IRCTC इज गोइंग टू बी रिपोर्टिंग अ बम्पर क्वार्टर दिस टाइम. 728 रुपए में लीजिए, 712 रुपए का स्टॉप लॉस, 770 का टारगेट ऑन IRCTC. ट्रैवल एंड केटरिंग इज गोइंग टू बी अक्रॉस द बोर्ड एंड IRCTC विल बी वेरी वेरी लेकिन हाँ, IRCTC की काफी लंबा एक करेक्टिव फेज हो गया है. जरा चार्ट लेके आइए 1 साल का. शानदार कंपनी, शायद थोड़ा ओवरओन्ड हो गई थी, एग्जीबिशन इन्वेस्टर्स का ज्यादा हो गया था, एक करेक्टिव फेज में लौटी, अब वापस आती हुई जा रही है. स्प्लिट के बाद थोड़ा फ्रेंजी सेटल हुई, नहीं तो उससे पहले तो बहुत ज्यादा फ्रेंजी थी. एक बार लेके आइए थोड़ा लंबे अवधि का चार्ट. उसके बाद रुचित आ गए हमारे साथ राजेश की जगह. रुचित, IRCTC को जरा इंटरनेशनल पेपर नहीं, IRCTC 1 साल का चार्ट. रुचित, आप जरा चेक करके बताएंगे क्या इसका टाइम आ गया है, चार्टिकली भी क्या दिख रहा है कि इसको लेने का समय आ रहा है. वेरी गुड आफ्टरनून.
ये चार्ट्स में थोड़े हिस्टोरिकल डेटा देखे तो अक्टूबर 2021 के पहले स्टॉक में बहुत ही अच्छा रनअप दिखा था, जहां पे ये स्टॉक ने सिग्निफिकेंट शॉर्ट टर्म में बड़ी तेजी दिखाई थी, और अक्टूबर 2021 के बाद में कंप्लीट कंसोलिडेशन स्टॉक में हुआ। अभी एक बात अच्छा है कि स्टॉक में प्राइस वाइज करेक्शन भी हो चुका है और टाइम वाइज करेक्शन भी हो चुका है, तो यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आगे चल के स्टॉक में फिर से एक अच्छा ट्रेंडेड अप मूव दिख सकता है। और रिसेंटली अगर शॉर्ट टर्म के भी चार्ट देखे तो 700 रुपए के आसपास बार बार जब ये स्टॉक आ रहा है तो वहां पे एक अच्छा सपोर्ट बेस बना रहा है। जब भी 700 आता है तो वहां पे बाइंग इंटरेस्ट फिर से दिखता है, और 200 DMA भी 700 के आसपास है, तो आई थिंक यहाँ पे डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रहा है स्टॉक के लिए। एक स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव शायद रह सकता है, लेकिन 700 के लेवल जब तक प्रोटेक्टेड है तब तक ये चार्ट्स पे तो काफी अच्छा है, और स्टॉक में एक स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं करने के बाद। और राइट, तो IRCTC पे आप ये खरीदारी की रिकमेंडेशन रुचित दे रहे हैं, रुचित की भी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन पूछेंगे, लेकिन इस वक्त खबर गरम है, खास सेगमेंट शरद हमारे लेकर आए, बताएंगे हमें डीलिंग रूम से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही है। तो बताएं शरद, कौन से स्टॉक्स में खबरें हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इसके पहले लेकिन हम बता देते कि थर्सडे को, यानी जो है आप कह सकते हैं डिसम्बर 1st को जो हमने जो है रेकमेंड किया था बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी, और आज जो है स्टॉक 4% ऊपर है, जहां पे निफ्टी जो है रेड निशान पे, और हमने कहा था कि डीलर्स ने जो है रेकमेंड किए थे अपने ब्रोकर्स को इस स्टॉक को लेके, तो इस स्टॉक को ज़रूर आप फोकस में रखिएगा। लेकिन आज के शेयर्स पे फोकस करते हैं, एडवांस एंजाइम टेक फोकस में रहेगा, और यहां पे जो है शेयर में ऑलमोस्ट 1.25 साल का जो है ब्रेकआउट देखने मिला है, वॉल्यूम्स भी 8 टाइम्स अपने डेली एवरेज पे चल रहे हैं, और इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि ब्रोकर्स जो है अपने जो ग्राहकों को खरीदारी की राय दे रहे हैं, 350 रुपये तक जो है टारगेट प्राइस जा रहा है, और इसके अलावा जो है एक स्ट्रैटेजिक करार जो है होने का जो है उम्मीद है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा गुजरात फ्लोरो केमिकल्स, और यहाँ पे डीलर्स कह रहे हैं कि प्रमोटर्स थोड़ी जो है स्टॉक में सेलिंग देखने मिल रही है, और लगातार याद रखिए तीसरे दिन जो है स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है, और आज जो कंपनी है प्रमोटर्स की आइनॉक्स एनर्जी और आइनॉक्स विंड एनर्जी, उनकी Q2 नंबर्स आए थे और वो वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला था, तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। और आज तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज, और यहाँ पे अब देखा जाए तो कंपनी जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को इस हफ्ते मिलने वाले, और बड़े नाम है, फिडलिटी है, HDFC म्यूचुअल फंड है, न्यूबर्ग बर्मन है, एसराग पार्टनर्स जैसे दिग्गज FIs जो है उनके साथ जो है कंपनी मिलने वाली, और उसके कारण जो आज वॉल्यूम्स और बाइंग भी देखने अच्छी मिल रही है, वॉल्यूम्स लगभग 6 टाइम्स उनके 20 दिन के एवरेज के देख रही है। राइट, तो मेड प्लस अच्छा खासा वॉल्यूम, इनफैक्ट सिंगल डे में इंट्राडे में इतना बड़ा गेन मेड प्लस में आपको याद नहीं आ रहा कब मिला, देखने को मिला होगा इनफैक्ट। और दूसरा स्टॉक जो है गुजरात फ्लोरो केमिकल्स है, लगातार 3 दिन से यहाँ गिरावट है और प्रमोटर सेलिंग कर रहे हैं यहाँ। एक बार दोनों स्टॉक्स पे चार्ट चेक ले लेते हैं, मेड प्लस और साथ ही फ्लोरो केमिकल। श्रीकांत, जितने भी आज अदर देन हॉस्पिटल में फोर्टिस और अपोलो, आप दूसरे स्टॉक्स हैं किम्स, मेड प्लस, रेनबो, इनफैक्ट रेनबो भी, इन सभी में आज अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। मेड प्लस में फिर से कुछ खबरें गर्म होती हुई दिख रही हैं, आप यहाँ देखें 5% की आज मूव है, चार्ट पर कितना स्ट्रांग दिख रहा है। देखो तो अगर मेडप्लस की अगर बात करें तो यहाँ पे एक काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बना है, और प्राइस और वॉल्यूम दोनों में हमने लगातार एक राइजिंग पैटर्न देखा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 800 रुपए के करीब जाके वहाँ पे कुछ स्टेबल हो सकता है, तो अगर इसमें अगर पोजिशन है तो बिल्कुल आप बने रहे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसके अलावा अगर हॉस्पिटल स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा टॉपिक वैसे अपोलो हॉस्पिटल है, आज के दिन में हमने थोड़ा करेक्शन देखा है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि स्टॉक और भी परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। और साथ ही साथ हमें लगता है कि किम्स, KIMS, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये जो एक स्टॉक है 1508-1510 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे भी हमें लगता है कि ये 1700-1800 के लेवल्स दिखा सकता है। तो ब्रॉडर अगर फॉर्मेशन देखिए तो इन सभी में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम है, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, इनफैक्ट कई सारे स्टॉक सपोर्ट्स के आसपास ही अवेलेबल है, तो इसे लॉन्ग करके आप चल सकते हैं। आज UPL में काफी इंटरेस्टिंग काम हुआ, इनफैक्ट काफी दिन से हम ट्रैक तो कर रहे हैं इसके अपवर्ड मूव को, बट आज 800 के ऊपर क्रॉस हुआ है अभी 5 मिनट पहले। डेटर साहब, इसका 3-6 महीने का ग्राफ लेके आइए, ये नीचे में 600 से जो चलना शुरू हुआ है आज 800 क्रॉस करता हुआ नजर आया, ये देखिए 614 के लेवल से बहुत बढ़िया रैली इसके अंदर आई है। रुचित, इसको लॉन्ग अगर हम होल्ड कर रहे हैं तो क्या लेवल्स के लिए इंतजार करना चाहिए, और अगर एंट्री लेनी है इसके अंदर तो क्या लेवल्स बेटर है?
अजय जी, कौन से स्टॉक के बारे में? यूपीएल। ओके, यस, आज की सेशन में यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमने देखा है और पिछले अगर एक डेढ़ हफ्ते की बात करें तो स्टॉक 790-788 ये रेंज में बार बार अटक रहा था। सो अब क्योंकि ये ब्रेकआउट आ गया तो 790 अब इमीडिएटली स्टॉक पे कोई भी डिक्लाइन होगा तो अच्छा सपोर्ट बनेगा। सो आई थिंक 790-795 का रेंज अगर मिलता है जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स है तो वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है क्योंकि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर से अच्छा फेवरेबल बनेगा। 780 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और नियर टर्म में जो प्रीवियस स्विंग हाइज है वो 827-830 के आसपास थे जो टारगेट्स रख सकते हैं। मैंने हमने बात तो काफी की कि आज 5-6% का M&M फाइनेंस में बड़ा मूव आया है, लेकिन ऐसा हुआ क्या वहाँ पे एग्जैक्टली? पूजा हमारे साथ है बताते हुए कि M&M फाइनेंस का जो 5-6% का ब्रेकआउट है वो किन फैक्टर्स के दम पे है, पूजा बताइए। जी, महिंद्रा फाइनेंस के शेयर में आज हम देख रहे हैं शानदार तेजी देखने को मिल रही है और आज स्टॉक अपने 52 वीक हाई के पास भी कारोबार कर रहा है। अब इसके पीछे की वजह यह है कि कंपनी ने जो अपने शानदार बिजनेस अपडेट जारी किए हैं नवंबर महीने के, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को नजर आई। डिसबर्समेंट में 75% की ग्रोथ वायो सालाना आधार पर अगर देखेंगे तो कलेक्शन एफिशियंसी में भी सुधार हुआ, 94% से बढ़कर 96% पहुंच चुके हैं और स्टेज 2 NPAs और स्टेज 3 NPAs में भी पर गिरावट देखने को मिली है। स्टेज 2 के जो एनपीए हैं वो 9% के नीचे आ चुके हैं और इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर ग्रॉस एनपीए जो है वो स्टेज 3 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को प्रोविजनिंग करने की जो जरूरत है वो कम पड़ी है, यानी कि एसेट क्वालिटी कुल मिला के कहें तो वो काफी मजबूत नजर आ रही है। इसके अलावा सीएलएसए की भी एक रिपोर्ट आई है जो कि काफी पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाई दे रही है, खरीदारी की राय देख रहे हैं और इनका कहना है कि डिसबर्समेंट ग्रोथ काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। अगर करंट रन रेट से ग्रोथ जारी रहा तो ये भी माना जा रहा है कि जल्द ही इनका जो डिसबर्समेंट का आंकड़ा है वो 48,900 करोड़ के पास पहुंच जाएगा, जबकि दूसरी तरफ जो अनुमान था वो 44,500 करोड़ का था, तो एक अनुमान से बेहतर डिसबर्समेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्वार्टर 4 जो है वो व्हीकल फाइनेंस के लिहाज से अगर बात करेंगे तो काफी स्ट्रांग क्वार्टर माना जाता है तो उसका भी फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। कलेक्शन एफिशिएंसी स्ट्रांग है, इसके अलावा जो एनपीएज हैं वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है तो एसेट क्वालिटी की स्थिति भी काफी मजबूत है। ये सभी पैमाने पर नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज हाउस को भी आंकड़े अच्छे लग रहे हैं और इसके अलावा निवेशकों को भी ये आंकड़े काफी पसंद आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम शानदार तेजी देख रहे हैं M&M फाइनेंस के स्टॉक में। थैंक्स फॉर दैट पूजा। रुचित, हाइकल एक स्मॉल कह लीजिए मिड कैप केमिकल कंपनी है, काफी बुरे दौर से गुजरी, ये जो रिजल्ट आया उसका उसके बाद आज देखिए 2% ऊपर है ठीक ठाक वॉल्यूम में, उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो गया, क्या इसमें एक बॉटम बन गया आपके हिसाब से, क्या इसमें एक इन्वेस्टमेंट बेट लिया सकती? यहाँ पे अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो टाइम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक अगर पिछले कुछ महीनों में देखे तो सबसे पहले 200 से लेके 360 350 तक एक जो ग्रेजुअल अपमूव देखेगा उसमें अच्छे वॉल्यूम से, क्योंकि उसके बाद जो करेक्टिव फेज बना है मैं कहूंगा मोर एक टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में रिसेंटली हुआ है जिसमें प्राइस डाउन हो उसमें इतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं है, तो जब पाओ प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो अच्छे वॉल्यूम्स है, कंसोलिडेशन या करेक्शन में कम वॉल्यूम्स है, तो यूजुअली ऐसे स्टॉक्स आपको नो एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस में ही दिखते हैं, तो यहाँ पे आई थिंक 320 मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा सपोर्ट बेस माना जाएगा, तो 320 के नीचे स्टॉप लॉस रख के थोड़ा मिड टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक में खरीदारी करे तो एक अच्छे रिटर्न यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, एब्सोल्युटली। चलिए एक बार कुछ और स्पेसेस जिनकी हम सुबह से बात कर रहे हैं क्योंकि आप मेटल स्टॉक्स को देख भी रहे हैं कि आज टॉप गेनर्स जो है वो मेटल्स काउंटर्स हैं। मेटल शेयरों में आज क्यों तेजी है, क्या बड़े ट्रिगर्स हैं, एक बार अशेषा ने ये कंपाइल किया, हालांकि चाइना रीओपनिंग बड़ा थीम है लेकिन और भी कुछ डिटेल्स है अशेषा के पास, वो समझ लेते हैं अशेषा से। अशेषा बताएं। जी हाँ, निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है, पांचवें दिन लगातार हम गेन्स देख रहे हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स पर। नैलको, हिंडालको जो एल्यूमिनियम प्लेयर्स है, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, ये निफ्टी मेटल इंडेक्स के सबसे बड़े गेनर्स के लिस्ट में आते हैं। चाइना रीओपनिंग की बातें चल रही है और उसी के चलते चाइनीज डिमांड में अपटिक देखने को मिलेगा और उसी के चलते कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली इंक्रीज हो सकते हैं, यही वजह है मेटल प्राइसेस में अपटिक देखने को मिल सकता है और मेटल स्टॉक्स में भी रैली देखने को मिल रही है।
जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है मेटल स्टॉक्स पर आज सुबह, जहां उन्होंने कहा कि 2023-2022 के जैसे ही रह सकता है, जिसका मतलब यह होता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर स्ट्रॉन्ग दिखेगा लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि चाइना रीओपनिंग के चलते डिमांड में अपटिक देखने को मिलेगा और उसी के चलते ग्लोबल मेटल प्राइसेस में भी एक सर्ज देखने को मिल सकता है। यूएस फेडरल रिजर्व के रेट हाइक में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को दिखाई दे रहा है और यूरोपियन डिमांड एक्सपेक्टेड थी कि काफी वीक होगी लेकिन उतना इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। इसी के चलते उनका मानना है कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट स्टॉक प्राइस मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उन्होंने कहा कि 2022 में जैसे वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी वैसे ही वॉलेटिलिटी 2023 में भी देखने को मिलेगी स्टॉक मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से। इनफैक्ट उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम के बारे में इन पर्टिकुलर बात की है, जहां उन्होंने कहा कि स्टील प्राइसेस सस्टेन कर सकते हैं और स्टील सेक्टर में अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि चाइना HRC एक्सपोर्ट प्राइसेस में एक अपमूव देखने को मिलेगा और स्टील स्पेस से टाटा स्टील और सेल उनके टॉप पिक्स है। उन्होंने एल्यूमिनियम प्राइसेस की भी बात की है, जहां उन्होंने कहा कि चाइना रीओपनिंग के चलते एल्यूमिनियम प्राइसेस में एक अपटेक देखने को मिलेगा और इंडियन एल्यूमिनियम जो स्टॉक्स है नैल्को हिंडाल्को और वेदांता उसमें भी एक अपमूव देखने को मिल सकता है। तो चाइना रीओपनिंग एक बड़ा इम्पैक्ट ट्रेड हो सकता है जिसके चलते डिमांड और प्राइसेस में एक अपमूव देखने को मिलेगा। राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच अशेषा ये सारे हमारे लिए कंपाइल करने के लिए। चलिए एक बार स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आज रुचित की भी क्या है वो भी समझ लेते हैं। रुचित, कौन से आज आपके स्टॉक्स रडार पे? अब तो BTST का ही टाइम हो गया, बताएं। आई थिंक यस, पिक से बट मोर एक मिड कैप स्पेस है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में इंडेक्स और जो कंसोलिडेशन फेज में है, बट मिड कैप स्मॉल कैप्स में काफी अच्छी रैली है, काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट हम देख रहे हैं। सो पहला पिक रहेगा यहाँ पे शंकरा बिल्डकॉन। प्राइमरी एक अच्छा कंसोलिडेशन पिछले 2-3 महीने में स्टॉक में देखा गया है, लेकिन ये पूरा कंसोलिडेशन अगर आप देखें तो उसके 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही हुआ है, जो एक ऑलरेडी एक पॉजिटिव साइन था। और आज जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स होते हैं उससे बेहतर वॉल्यूम से स्टॉक में आज एक ब्रेकआउट हुआ है, तो ये एक अच्छे साइन है, साइंस है कि जो अप ट्रेंड है वो यहाँ से शुरू हो सकता है। तो करंटली 752-753 के आसपास है, 729 का स्टॉप लॉस रखे, 790 से 800 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सेकंड पिक जो है वो थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड है आज के मार्केट में, क्योंकि GSPL पे मेरा ट्रेड है यहाँ पे 261 के आसपास। रिसेंटली हमने स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में देखा था जो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ पेन हुआ था और उसके बाद लास्ट 4-5 दिनों से थोड़ा हायर लेवल से करेक्ट हुआ है। सो अब ये करेक्शन के बाद हम डेली चार्ज देख तो टेक्निकली एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जनरली अभी तक फ्लैग ब्रेकआउट आया नहीं है, बट कंसिडरिंग प्राइस वॉल्यूम एक्शन में यहाँ पे थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रीएम्प्ट करने में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें फेवरेबल है। तो 261 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करें, 254 का स्टॉप लॉस रखें, 285 तक के टारगेट्स अगर ये फ्लैग का ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक में आ सकता है। BTST आइडियाज रुचित की तरफ से। श्रीकांत, आपकी तरफ से क्या होंगे BTST आइडियाज? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में अगर मेटल्स पे फोकस करें तो बिल्कुल वहां पे और भी तेजी बन सकती है। मैंने ऑलरेडी टाटा स्टील तो एक बार बता दिया था अपने कन्विक्शन कॉल में, लेकिन अगर मुझे BTST पे अगर लेके जाना है तो मुझे लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर ये एक स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करके चलेंगे। 570 के करीब ट्रेड कर रहा है, काफी बढ़िया उसमें आउट परफॉर्मेंस है। इसमें इनफैक्ट अपने 2022 में जो इसने हाईएस्ट लेवल्स बनाए थे तकरीबन 580-577 के करीब के, उसे क्रॉस करने के काफी नजदीक आ चुका है। तो इसके बाद हमें लगता है कि इसमें और भी एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखने मिलेगा। तो करंट लेवल से जिंदाल स्टील एंड पावर का लॉन्ग करके चले, जो तकरीबन 570 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 555 और टारगेट्स रखेंगे 590 और 600 के। बाजार में थोड़ी रिकवरी इनफैक्ट दिखाई है, हरे निशान में आ गया निफ्टी, बैंक निफ्टी भी आगे बढ़ गया, सेंसेक्स भी, एनी मोमेंट? और हुआ क्या है, आईटी स्टॉक्स रिकवर कर गए हैं, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, ये सारे स्टॉक्स लेके आई है। बैंक निफ्टी तो डेज हाई पे है ही, SBI और ICICI एक्सिस खींचे जा रहे हैं, लेकिन इन्फोसिस लेके आई है डॉक्टर साहब, वहाँ थोड़ी रिकवरी आई है। और TCS, वो दोनों स्टॉक्स अगर आप दिखाएं, जी हाँ वो देखिए, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब में रिकवरी आई हरे निशान की तरफ। रिलायंस सिर्फ एक स्टॉक है जो ड्रैग है अभी इंडेक्स के ऊपर, रिलायंस का भी इंटरडी दिखाइए, शायद वो भी रिकवर होना शुरू हो गया हो बाजार के एंड की तरफ। नहीं, रिलायंस रिकवर नहीं हो रहा है, अभी भी डिजलो की तरफ है। क्या इससे BTST बन रहा है, श्रीकांत आप बताएंगे? देखिए, रिलायंस मुझे लग रहा है कि एक अप ट्रेंड में ऑलरेडी चल चुका है और इसमें जो भी करेक्शन आ रहा है वो अगेन
एक अपॉर्चुनिटी देगा ट्रेडर्स के लिए टू क्रिएट एनी ट्रेडिंग पोजिशन. तो करंट लेवल से अगर ये 2680 के करीब ट्रेड कर रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें ऑलमोस्ट एक करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट हो चुका है. इसी लेवल पे इसका एक लॉन्ग पोजीशन हम इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है. और यहाँ पे टारगेट्स रखेंगे हम 2740 से लेकर 50 के. और अगर करंट लेवल से मैं लॉन्ग करता हूँ तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेंगे अराउंड 2660 के. तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, लेकिन करंट लेवल पे ऑलरेडी ये करेक्ट हो चुका है, हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज रिज्यूम कर चुका है. और साथ ही साथ इसके जो डेली पैटर्न है इसमें इसने फॉलिंग वेज के पैटर्न को क्रॉस किया है. तो इवेंचुअली ये स्टॉक 2800 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए नजर आएगा. तो बिल्कुल बीटीएसटी के बेसिस पे इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं. तो ये तो आपकी एक बीटीएसटी कॉल रही. इसके अलावा और भी कोई स्टॉक्स रडार पे आ रहे हैं श्रीकांत बीटीएसटी के लिए? इसके अलावा अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम अगर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ये ट्विन्स में अगर आप देखें तो एक कन्विंसिंग एक्शन या ट्रेडिंग पैटर्न समझ में आ रहा है. काफी दिनों तक कंसोलिडेट करने के बाद एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के करीब से एचडीएफसी बैंक में एक रिवर्सल पैटर्न बना है. 1613 के करीब ये ट्रेड कर रहा है. हमें लगता है कि टेक्निकली ये स्टॉक अपने एक शॉर्ट टर्म वेव को कंप्लीट करने जाएगा विच इज अराउंड 1670. तो करंट लेवल से एचडीएफसी बैंक को लॉन्ग करें 1612 1615 में. स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे 1595 का. ठीक है, एचडीएफसी बैंक यानी एक और हेवीवेट बैंक्स इंडेक्स में. और अब बैंक्स में देख भी रहे हैं कि फिर से तेजी तो है. बैंक हो, एनबीएफसी हो, एमपीसी की बैठक का रिजल्ट आना है, सो सारे डॉट्स तो कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ. बढ़ेंगे आगे. एक खबर हम तक प्रकाश प्रियदर्शी लाए हैं, बाजार के लिए निवेश का एक और बूस्ट मिलने वाला है. एक बार समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट खबर है उनके पास. प्रकाश बताएं. देखिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि ईएसआईसी ने एक अहम फैसले में इस बात को मंजूरी दे दी है कि अब उसके पास जो सरप्लस फंड्स हैं उसका निवेश सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट में नहीं बल्कि इक्विटी मार्केट में भी होगा. कल एक अहम बैठक हुई ईएसआईसी बोर्ड की जिसमें इस बात को मंजूरी दे दी गई कि जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में ज्यादा रिटर्न जो है वो हासिल किया जा सके. ईएसआईसी की बोर्ड ने जो मंजूरी दी है उसके हिसाब से डेट इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ इक्विटी मार्केट में भी निवेश किया जाएगा. हालांकि ये जो इक्विटी मार्केट में निवेश होगा वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स तक ही सीमित होगा. लेबर मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है उसके हिसाब से शुरुआत में 5% फंड्स जो है जो सरप्लस फंड्स हैं ईएसआईसी के पास उसका निवेश इक्विटी मार्केट में होगा जो कि चरणों में बढ़कर 15% तक जाएगा. हालांकि दो क्वार्टर के बाद किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है उसकी समीक्षा होगी और उसके बाद आगे का फैसला जो है वो लिया जाएगा. जो स्मॉल सब्सक्राइबर हैं उनके हितों की रक्षा हो, जो मार्केट की वोलाटिलिटी है उससे बचाव किया जाए, उस बात को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है कि जो इक्विटी में निवेश है वो सिर्फ ईटीएफ तक ही सीमित रहेगा. श्रम मंत्रालय ने अपने बयान में ये भी कहा है कि जो मॉनिटरिंग है इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसकी जो मॉनिटरिंग है जो मौजूदा कस्टोडियन है और जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वही करेंगे जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. और इस बात की संभावना है कि आने वाले दिनों में ईएसआईसी को ज़्यादा रिटर्न मिल सके. जैसा कि आपको पता है कि ईएसआईसी के पास इस वक्त 65,000 करोड़ रुपये का सरप्लस फंड्स हैं जिसमें कि हर साल करीब 8,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईएसआईसी ने कवरेज बढ़ाने को लेकर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया है. ऐसे में एक तरफ जहां निवेश के नए विकल्प मिलेंगे स्टॉक मार्केट में अतिरिक्त मनी फ्लो भी बढ़ते हुए हम देख सकते हैं. ऑल राइट, शुक्रिया प्रकाश इस खबर को बताने के लिए, हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. एशियन पेंट्स आपको फिर से एक रिवाइवल मोड पर दिख रहा है, हालांकि क्रूड की चाल से तो काफी फर्क पड़ता है और हमने मूव देखी भी. आज आपको 0.5% की तेजी दिख रही है, इसमें सारा डाउनसाइड प्ले हो गया है एशियन पेंट्स का. रिकवरी काफी हद तक हो गई है, कैसा क्या क्या रनअप पॉसिबल है, कैसे देख रहे हैं आप रुजित एशियन पेंट्स को? प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है लेकिन मोमेंटम के लिए स्टॉक में 3200 के लेवल क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट है. अब रिसेंटली देखेंगे तो ऑल्दो क्रूड ऑयल का प्राइसेस हायर लेवल से करेक्ट हुए जो ये स्टॉक को सपोर्ट करना चाहिए, बट स्टॉक सस्टेन नहीं हो रहा है 3200 के आसपास. 7 नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टॉक 3190-3200 के रेंज में आके वहां से फिर से सेल ऑफ देखने मिला था. इवन पिछले हफ्ते देखेंगे तो 3200 के आसपास का ही स्टॉक में हाई बना है जो अब तक क्रॉस नहीं हुआ. सो आई थिंक एक बार ये 3200 का हाई क्रॉस करता है तो उसके बाद अब मोमेंटम वाइज स्टॉक में एक अच्छा पिकअप या एक अच्छा मूव देखने मिलेंगे. सो आई थिंक फ्रेश एंट्री लेनी है तो बेहतर है कि 3160 के आसपास अभी चल ही रहा है. 40 रुपीज ऑल्दो मिस हो सकता है लेकिन एटलीस्ट एक कंफर्मेशन के लिए अभी यहाँ पे वेट करना चाहिए और 3200 के ऊपर ही स्टॉक में नई एंट्री करनी चाहिए.
ठीक है, 3200 की आप ऊपर और नई एंट्री करेंगे, लेकिन मेटल्स पर को कैसे अप्रोच करें? श्रीकांत, आज की जो तेजी बनी हुई है, क्या ये मोमेंटम प्ले आउट करेगा? क्योंकि बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल सेक्टर भी है ये, लेकिन जब तक डॉलर की चाल नीचे है, यूएस डॉलर इंडेक्स की चाल नीचे है, चाइना का रीओपनिंग थीम इंटैक्ट है, अशीषा कई सारे रीजंस पे भी लिस्ट आउट कर रही थी, आप मेटल को कैसे अप्रोच करेंगे? क्या कैरी फॉरवर्ड करेंगे ये ट्रेड्स, या एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी? बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि मेटल्स में एक और भी हमें कंस्ट्रक्टिव रैली देखने मिल सकती है। उसका रीजन यही है कि प्राइस पैटर्न अगर आप देखें तो कई सारे स्टॉक्स ने अपने स्विंग हाई को क्रॉस किया है, एक बड़ा रिट्रेसमेंट हमें देखने मिला है। साथ ही साथ सबसे बड़ी न्यूज यही है कि चाइना रीओपनिंग की जो न्यूज है उसके पीछे अगर आप कमोडिटी मार्केट देखते हो तो कमोडिटी मार्केट में आयरन ओर के प्राइसेस ऑलमोस्ट फ्रॉम $75 टू 110 के करीब आ चुके हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम सभी में हमने एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल वाला पैटर्न देखा है और एक बड़ी रैली देखी है। तो ये जो रैली हुई है उसके पीछे हमें लगता है कि बिल्कुल इन सभी स्टॉक्स में उसका रिपल इफेक्ट आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। ऑलमोस्ट कई सारे स्टॉक चल चुके हैं, लेकिन यहाँ से भी हमें लगता है कि इनमें काफी पोटेंशियल है। और टाटा स्टील स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो इसे अगर लॉन्ग करके चलते हैं तो इसमें अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं 122-123 के। और साथ ही साथ जिंदल स्टील एंड पावर, यहाँ पे भी हमें लगता है कि ये स्टॉक 600 रुपए के करीब आने वाले दिनों में जाते हुए दिख सकता है। ओके, जिंदल स्टील आपको पसंद आता है, यहाँ तो आप कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव रैली अभी आपको यहाँ मेटल पैक में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर अपनी पोजीशंस को आप होल्ड ऑन करें। लेकिन एट द सेम टाइम NBFCs, क्या ये भी मोमेंटम इस तरह का जो आज बना हुआ है वो कंटिन्यूड रहेगा? इनफैक्ट बैंक्स भी अच्छे चल रहे हैं, आपने तो HDFC बैंक अभी स्टॉक ही दिया है। श्रीकांत, NBFC का मोमेंटम भी जारी रह सकता है? बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि NBFCs में काफी सिलेक्टिव एक्टिविटी रहेगी और काफी सिलेक्टिव स्टॉक्स चलेंगे, जैसे कि चोला फाइनेंस है या तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है, जहाँ पे इनकी जो रिपोर्टिंग है या तो जो इनके जो कलेक्शन है वहाँ पे काफी बड़ा इजाफा हुआ है और वो कंसिस्टेंटली एक सब कंपनी जो है वो अपना जितने भी नंबर्स है वो रिपोर्ट करती जा रही है, तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें काफी सिलेक्टिव स्टॉक्स चलेंगे। और अगर सिलेक्टिव स्टॉक्स में से अगर किसी एक या दो स्टॉक को चुनना है तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल एक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को करंट लेवल से भी लॉन्ग करके चले, क्योंकि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट बना है और अगर इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद अगर ये स्टॉक अगर चल रहा है तो ये कम से कम यहाँ से अपने प्रीवियस हाई के काफी नजदीक जा सकता है जो 260-265 के करीब का है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को लॉन्ग करके चले। और इसके अलावा अगर कुछ अगर लेना है तो AB कैपिटल में, इसमें काफी बड़ा एक ब्रेकआउट हुआ है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, यहाँ पे भी हमने कंसिस्टेंट रैली देखी है, कई सारे इन्वेस्टर्स इसमें अटके हुए हैं, तो ये जो पुलबैक रैली है वो 200-210 तक कंटिन्यू होते हुए नजर आई, तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि अगर कुछ पोजिशन है तो बिल्कुल आप इसे होल्ड करके चले। ठीक है, 200 या 210 तक का ये टारगेट आप AB कैपिटल पर देखते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस और साथ ही मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर भी आपको, इनफैक्ट सारे NBFC चल रहे हैं, लेकिन गोल्ड फाइनेंसेस पर एक रिपोर्ट भी आई थी मॉर्गन स्टैनले की, उसके बाद हमने देखा कि दोनों स्टॉक्स में अच्छा मूव था। क्या रुचित, इन दोनों स्टॉक्स का मोमेंटम जारी रहेगा, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करें ये भी? यस, डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। दोनों ही स्टॉक्स में जो प्राइस अप मूव आए, स्पेशली मन्नापुरम फाइनेंस में, उसमें देखेंगे तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स बिल्ट अप नो ऑफ लेट हुए और नो 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो एक अच्छा सपोर्ट बेस्ड करेक्शंस पे स्टॉक में एक कर रहा है। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है कोई लिया हो नीचे के लेवल्स पे तो डेफिनेटली ये ट्रेंड को अभी भी राइड करना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, तो ट्रेड को आप राइड करें, लेकिन इस बीच आप पिछले 5 मिनट में देखें तो 18700 के नीचे तो फिर से स्लिप हुआ है निफ्टी, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स तेज हैं। एट द सेम टाइम आपको जो बड़ी मूव्स देखे पिछले 5 मिनट में, जो चेंजेस दिखे हैं वो आपको मेटल प्लैक के कुछ काउंटर्स में चेंजेस दिखे हैं। इनफैक्ट बैंक्स में, बड़े बैंक्स में आपको फिर से बैंक दिखी है, SBI बैंक, कोटक बैंक जैसे, HDFC जैसे काउंटर्स में आपको फिर से मूव दिखी है, और साथ ही कैपिटल गुड्स के काउंटर्स में भी आपको फिर से एक मूव दिख रही है, L&T हो, कमिंस इंडिया हो, यहाँ पर आपको एक बार फिर से मूव दिख रही है। क्या कैपिटल गुड्स स्पेस पे भी कुछ मोमेंटम बिल्टअप दिख रहा है आपको रुचित? स्लो एंड ग्रेजुअल स्टॉक कह सकते हैं, स्पेसिफिकली लार्सन एंड टूब्रो विद इन द हैवी वेट्स, यहाँ पे काफी अच्छा स्टॉक में रिसेंटली स्ट्रेंथ बना है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अगर कोई पोजीशंस बनानी भी है तो L&T ज्यादा प्रिफर्ड रहेगा, जहाँ पे हमको 2200-2150 तक की रेंज हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अप मूव में देख सकते हैं।
ओके ठीक है, ये अपनी चाल चल रहा है 1900 से आप जो शुरू हुआ है 2200 तक के लेवल्स आप बात कर रहे हैं कि हाँ पॉसिबल है। इस बीच अब जब बाजार क्लोज होने के बस 2-3 मिनट दूर है, एक बार क्विकली देख लेते हैं कि आज दिन भर में आपको एक्शन देखने को मिला कैसे। फिलहाल 18700 के नीचे तो निफ्टी आपको दिख रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम और वो भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही कारोबार, ऐसा लग रहा है कि शायद रिकवर भी हो जाए। बैंकिंग स्टॉक्स में आपको 200 पॉइंट्स तक की बढ़त दिख रही है। आज जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो मेटल इंडेक्स है, उसके रीजन क्लियरली है चाइना रीओपनिंग की थीम है, यूएस डॉलर इंडेक्स नीचे है और काफी अंडरसोल्ड थे, ओवरसोल्ड हो चुके थे, अंडर ओन्ड थे और उसके बाद वहां पर आपको एक मोमेंटम दिख रहा है और श्रीकांत तो कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव रैली है, कुछ देर और चल सकती है। बड़े गेनर्स जो है वो आपको हिंडालको, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में देखने को मिले, जेएसडब्ल्यू स्टील में मूव देखने को मिली। एट द सेम टाइम जितने भी आपके केमिकल फर्टिलाइजर स्पेसेस हैं इनमें आपकी मूव स्ट्रांग है। आज तीसरा बड़ा काउंटर निफ्टी पर गेनर में आपको यूपीएल दिख रहा है, वहां पर 2.5% की मूव है और साथ ही कुछ और पीएसयू स्पेस के काउंटर्स पावर स्पेस रिलेटेड में कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इनमें फिर से आपको एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है। बैंक्स जो दूसरे तेज हैं आज के आज उनमें स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, इनफैक्ट ये 1.5-2% तक की तेजी है, आईसीआईसीआई बैंक में 0.5% की तेजी है। तो बैंक्स बड़े लार्ज कैप बैंक से भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, प्राइवेट बैंक से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, एचडीएफसी बैंक में तेजी दिख रही है और आप मेटल निफ्टी इंडेक्स को, निफ्टी बैंक इंडेक्स को आप देख भी रहे हैं, लगभग 0.5% की मूव वहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप स्पेस में आज किस तरह का एक्शन देखने को मिला, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट वीक भी जो बिगेस्ट गेनर्स थे वो मिड कैप में थे, स्मॉल कैप में थे एज कंपेयर टू निफ्टी, वहां कहां आज एक्शन देखने को मिल रहा है। क्लियरली एनबीएफसीज में आपको एक्शन दिख रहा है और टॉप गेनर इस वक्त जो एफएनओ में भी है और मिड कैप में भी और एनबीएफसी स्पेस है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। एबी कैपिटल क्लियर ब्रेकआउट के बाद अभी श्रीकांत कह रहे थे, मिड प्लस पर रुचित भी अपनी रिकमेंडेशन दे रहे थे, 4.5% तक की तेजी आप मिड प्लस में देख रहे हैं और उन्हें ये अभी और तेज दिखता है। दूसरे जो काउंटर्स तेज है उसमें मनारपुरम फाइनेंस हो, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हो, तो कुल मिला के आपको जितने भी फाइनेंस काउंटर्स है, चाहे व्हीकल हो, ऑटो हो, व्हीकल फाइनेंस हो, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस हो या फिर गोल्ड फाइनेंसर्स हो, सभी में आपको एक अच्छी मूव दिख रही है और आपको कुछ सेलेक्टेड मिड कैप पीएसयूज भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरियन बीएचईएल काफी मूव चल चुका है, यहाँ आज थोड़ी सी ब्रीदर ले रहा है, 3-3.5% की डेंट आपको वहां दिख रहा है। आज आईटी से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आ पाए, जिस तरह की उम्मीद थी कि शायद पिछले हफ्ते आप देखें शुक्रवार को जिस लेवल्स पर आईटी, मेटल, मिड कैप, बुलिश सेटअप के साथ क्लोज होके गए थे शायद आईटी पार्टिसिपेट करता, लेकिन आज थोड़ा सा आईटी ब्रीदर लेने के मूड में, पिछले हफ्ते में 3 दिन चला भी है। डेरिवेटिव स्पेस में और एफएनओ स्पेस में ये तो बड़े प्ले आउट करते हुए थीम्स हैं, जो एनबीएफसीज हैं इनमें मूव है। उसके अलावा आपको कुछ और स्टॉक्स जो जिनमें अच्छी बड़ी गिरावट आ चुकी है, जुबिलेंट फूड जैसे वहाँ पर मूव दिख रही है, वाइट गुड स्पेस जैसे वोल्टास जैसे काउंटर्स में आपको मूव दिखाई दे रही है और क्लियरली तो मेटल, एनबीएफसीज इनमें अच्छी मूव है। अमर राजा बैटरी ने शुक्रवार को ये न्यूज़ आ गए थे, उन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट किया, एक अरेंजमेंट किया है, आज बड़ी कोई मूव नहीं है लेकिन 1% की मूव। पाइप काउंटर्स शुक्रवार को, थर्सडे को भी काफ़ी एक्शन में थे, आज भी कुछ सेलेक्टिव पाइप काउंटर्स में अच्छी मूव है लेकिन मूव तो है। एस्ट्रल जैसे काउंटर्स, प्रिंस पाइप जैसे काउंटर्स, इनमें आपको एक बड़ी मूव तो देखने को मिल रही है। मैक्सिमम एडवांसेस जो आप एफएनओ के देख रहे हैं, यानी एफएनओ में जितने भी बैंक्स इस एफएनओ लिस्ट में हैं उनमें 90% से ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं इस वक्त, तो बैंक हो, फाइनेंस हो, वहाँ पर आपको अच्छी मूवमेंट दिख रही है। थोड़ा सा शॉर्ट बिल्टअप आपको इस वक्त सीमेंट में दिख रहा है, लेकिन बैंकिंग फाइनेंस बड़ी तेजी के साथ जा रहा है और बहुत 50-50 रेशियो आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप एफएनओ की देखें तो ऑलमोस्ट 50-50 है। थोड़ा सा आप देखें तो हाँ ब्रेड आज पॉजिटिव है, आप ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो यहाँ भी देख रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप से एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन तो आ रहा है। इस हफ्ते में दो बड़े इवेंट्स रहेंगे, क्योंकि एमपीसी, एक तो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी, वहाँ इलेक्शन के रिजल्ट्स आने, एग्जिट पोल आज से आने शुरू हो जाएंगे, गुजरात के रिजल्ट्स हैं, हिमाचल भी दो, वहाँ भी रिजल्ट्स हैं, उस पर भी नजर रहेगी और साथ ही एमपीसी की बैठक जो आज पहला दिन है उसका भी एक एमपीसी की रेट हाइक पर भी एक्शन इस हफ्ते देखने को मिलेगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो एनालिस्ट पोल हम तैयार कर रहे हैं कि छोटा रेट हाइक ही एक्सपेक्ट करना चाहिए जो एनालिस्ट को इस वक्त लग रहा है। सो ओवरऑल बाजार में इसी वजह से आपको जितने भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव काउंटर्स हैं और उसी से रिलेटेड रियल एस्टेट भी आप देखें तो वो भी सारा चल रहा है, तो रियल एस्टेट, ऑटो और
और बैंक्स ऑफ फाइनेंस तो ऑन द फोर्थ फ्रंट लाइन द फेस ऑफ इट, इनमें सब में अच्छी मूव बनी हुई। सो ओवरऑल बाजार में आज एक बुलिश सेटअप के साथ ही आप जा रहे हैं। इंडेक्स पे आप भले थोड़ा सा प्रेशर देखें, लेकिन आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, जो ब्रेथ है बाजार की बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो बड़े सेक्टर्स हैं, बड़े स्पेसेस हैं, वो अच्छी मूव दिखा रहे हैं। हालांकि हैवी वेट्स लाइक रिलायंस का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा, लेकिन एट द सेम टाइम आप दूसरी पॉकेट्स में देखें तो वहाँ से आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें, ब्रेथ को देखें, बड़ी पॉकेट्स को देखें, तो वहाँ पर आपको बुलिश सिग्नल दिख रहे हैं। चलिए इसी के साथ शो को यहीं समेटते हैं। श्रीकांत, रुचित, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज समय दिया और ये सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारे दोस्त के साथ शेयर की। मुझे दीजिए इजाजत, कल सुबह ओपनिंग में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश में लगातार एक्शन बना हुआ है, कहीं मच जाएगा।